हेलो ऑल ऑफ यू, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जाइन क्लासेस। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉर्ट रन कॉस्ट के, एक और कॉस्ट की जिसको हम बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टोटल फिक्स कॉस्ट का वीडियो हम इससे पहले बना चुके हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का वीडियो आज का वीडियो होने वाला है। और ये जो दोनों वीडियोस को अगर आप मिक्स करेंगे तो आपको पता लगेगा दैट हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू मेक अ कर्व विच इज़ कॉल्ड एज टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये दोनों वीडियोज कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। बट डोंट फॉरगेट दिस, लाइक ऑल दीज कर्व्स आर गोइंग टू हेल्प अस टू मेक और टू डिराइव टोटल कॉस्ट कर्व। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, टीवीसी जिसे बोलते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कि हम बात करेंगे, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली इज दैट कॉस्ट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द आउटपुट बेसिकली। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द आउटपुट। इट मीन्स दैट व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस टोटल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस, यानी कि जब आउटपुट बढ़ता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एक मार्कर प्रोड्यूस कर रहा हूं, इन दैट केस आई विल जस्ट रिक्वायर द रॉ मटेरियल, द प्लास्टिक, द लेबर एंड द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग ओनली वन मार्कर। लेकिन अगर मैं एक मार्कर से दो मार्कर्स प्रोड्यूस करने लगूं तो उस केस में मुझे प्लास्टिक की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, यानी कि रॉ मटेरियल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, लेबर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जो भी एक टीवीसी का एक पार्ट है। तो इस तरीके की चीजें जब इंक्रीज हो जाएंगी, तीन से चार जब होती रहेंगी, तो जो आउटपुट के साथ साथ चेंज हो रही है, जो कॉस्ट यहां पर चेंज हो रही है, उसको हम बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पर जैसा कि मैंने बताया, ये रॉ मटेरियल से रिलेट कर सकती है, ये लेबर से रिलेट कर सकती है, या फिर ये पावर से भी रिलेट कर सकती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट आपको कितनी होगी। बेसिकली जितनी ज्यादा आपकी मशीन्स चलेंगी उतनी ही ज्यादा पावर की आपको रिक्वायरमेंट होगी। सो द पावर कंजम्पशन इन अ फैक्ट्री इज ऑल्सो प्रोपोर्शनेट टू द प्रोडक्शन। सो पेमेंट ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स इज बेसिकली रेफर्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखिए, यहां पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अगर हम अदर नेम्स की बात करें तो इसको प्राइम कॉस्ट भी बोला जाता है, इसे डायरेक्ट कॉस्ट भी बोला जाता है, और इसे अवॉइडेबल कॉस्ट भी बोला जाता है, यानी कि आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। इसी के ऑपोजिट अगर आप निकालेंगे तो उसको टोटल फिक्स कॉस्ट बोला जाता है। लाइक प्राइम कॉस्ट यहां पर है तो उसे सप्लीमेंट्री कॉस्ट बोला जाता है, यहां पर डायरेक्ट है तो टीएफसी को इनडायरेक्ट कॉस्ट बोला जाता है, और यहां पर अगर टीवीसी को अवॉइडेबल कॉस्ट है तो टीएफसी के केस में इसे अनअवॉइडेबल कॉस्ट बोला जाता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बहुत खास बात यहां पर बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप देख सकते हैं, एक तरफ मैंने यहां पर आउटपुट लिया है, टीवीसी लिया है, और उसका कर्व यहां पर आप लोगों को बनाकर दिखाया हुआ है। आप देखेंगे पहले ये जो है डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, पहले डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है और फिर ये जो है इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता जाता है। यहां पर टीवीसी किसी भी लेवल के लिए कांस्टेंट नहीं हो सकता है, यानी कि ये कॉस्ट हमेशा किसी न किसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज होती ही रहती है, यानी कि कभी ये कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो ये बेसिकली एक इनवर्स एस शेप्ड, यहां पर आप नोटिस करेंगे इनवर्स एस शेप्ड कर्व, ये जो है इसे बोला जाता है। जैसे देखिए यहां पर एक तरीके से एस बनता हुआ, इनवर्स एस बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर, तो ये इनवर्स एस यहां पर होता है, और इनवर्स एस की शेप सिर्फ टीवीसी की ही होती है। आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग दैट इनिशियली इट इंक्रीजेज एट ए डिक्रीजिंग रेट। अब डिक्रीजिंग रेट यानी कि कॉस्ट के बारे में अगर आपको कुछ भी कहना है या कुछ भी रीजन अगर देना है तो इन सब के बारे में आप एक रीजन दे सकते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। जी हाँ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसका वीडियो मैं पहले से बना चुका हूँ, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसके वो वीडियो और उसके जैसे और भी काफ़ी सारे रिलेटेड वीडियोस, आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके स्क्रॉल करेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टीवीसी की, तो टीवीसी इनिशियली जो है इट इंक्रीजेज एट ए डिक्रीजिंग रेट, ये इंक्रीज होता है बट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एक जो फिक्स फैक्टर का यूटिलाइजेशन होता है वो बहुत अच्छे तरीके से होने लगता है, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, जिसकी वजह से ये जो है
डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, उसके बाद ये जो है इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने लगता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं शार्प यहां पर इंक्रीज आपको दिखाई देगा। और ये जो इंक्रीज होता है बेसिकली यहां पर ये जो है एफिशिएंसी जो है वेरिएबल फैक्टर्स की वो कम हो जाती है, लिमिटेशंस ऑफ फिक्स फैक्टर्स यहां पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये बाद में जो है इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने लगता है। तो यहां तक ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था टोटल वेरिएबल कॉस्ट का आपके लिए। देखिए आप लोगों के लिए इसके लिए मैं लेके आया हूँ इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस की बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि हाउ टू कैलकुलेट टीवीसी। देखिए टीवीसी का अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो टीवीसी कैन बी कैलकुलेटेड इन सच अ मैनर दैट टीसी माइनस टीएफसी, टोटल कॉस्ट में से आप टोटल फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस कर दीजिए, यू विल गेट टीवीसी। इसके अलावा किसी भी टोटल कॉस्ट को अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एवरेज कॉस्ट है, यानी कि जैसे अगर हम बात करें टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो यहां पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को यहां पर ले लेंगे और क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड से अगर आप इनटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू टीवीसी होती है। एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहां पर, टीवीसी जो होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होता है, ये सारी की सारी मार्जिनल कॉस्ट्स का टोटल होता है, यानी कि समेशन होता है, यानी कि सिग्मा एमसी जो यहां पर लिखा हुआ है, अगर आपने एक यूनिट प्रोड्यूस की है, आप एमसी की एक यूनिट का जो भी टोटल आया है वो आप टीवीसी में लिख दीजिए। अगर आपने दो यूनिट प्रोड्यूस किए हैं तो दोनों यूनिट की एमसी को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका टीवीसी आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने 10 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं और 10वीं यूनिट का यानी कि 10th यूनिट का आप टीवीसी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उन सारे के सारे 10 यूनिट्स के एमसी को आप सम अप कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपको टीवीसी मिल जाएगा उस 10th यूनिट का। तो बेसिकली टीवीसी जो है ये एमसी का समेशन होता है किसी भी लेवल पर। इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस की। देखिए सबसे पहली चीज जो हमें आपको नजर आ रही होगी दैट टीवीसी इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, वही मैंने यहां लिखा हुआ है, इट इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आपकी कॉस्ट बिल्कुल ही जीरो होगी। मैं मार्कर बनाता हूं, मैंने एक भी मार्कर प्रोड्यूस नहीं किया तो मेरी टीवीसी भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगी। इसके बाद दूसरी ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, इट इज इनवर्स एस शेप्ड कर्व, एस शेप्ड कर्व मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया है। थर्ड इज इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन आउटपुट, देखिए आउटपुट जैसे जैसे बढ़ता है ये भी इंक्रीज होती है और इंक्रीज ही होगी, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जैसे भी जब भी आप प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट डेफिनेटली इंक्रीज होगी ही होगी, फॉल मत करिएगा कहीं पे इसको, तो शेप मैटर्स अ लॉट, शेप का आप जरूर ध्यान रखिएगा यहां पर। फोर्थ इज इट इज समेशन ऑफ ऑल एमसीज, तो यहां पर ऑल एमसी जो मार्जिनल कॉस्ट होती हैं उनका समेशन होता है। इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूंगा यहां पर आपके लिए, प्लीज इसको अच्छे से समझिए कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। इवन जब मैं एमसी की कैलकुलेशन आपको करवाऊंगा तो डेफिनेटली आई टेक दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड कि मैं वहां पर आपको ये पूरी चीज एक्सप्लेन करूं। इसके बाद पांचवा पॉइंट है यहां पर कि इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग में ये जो शेप आ रही है, इनिशियली इट इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीज करती है बट डिक्रीजिंग रेट से, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं आपको, एंड देन इट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, शार्प राइज जो यहां पर होता है इसको इंक्रीजिंग रेट बोलते हैं, जिसके लिए आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होता, फिक्सिटी ऑफ फैक्टर्स नाम की बहुत सारी चीजें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो अगर आपने मेरा प्रोडक्शन फंक्शन का वीडियो देखा हुआ है तो उसमें मैंने सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो एक बार फिर से बोलना चाहूंगा मैं कि इन सारी चीजों के लिए आप लॉ ऑफ कॉस्ट के अंदर, इन सारी चीजों के लिए आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं और बता सकते हैं, लेकिन वो तभी बता पाएंगे जब आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की तीनों स्टेजेस बहुत क्लियर तरीके से माइंड में होंगी। वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट के जरिए बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कीजिए, आपको सारे के सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और बाकी सारे वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने दिए हुए हैं। और
इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं सोशल हैंडल्स पे, इंस्टा और फेसबुक पे सेम मनोज जांगिड नाम, मनोज जांगिड क्लासेस के नाम से हमारा जो है पेज है, आप वहां पर फॉलो कर सकते हैं हमें। तो जितनी भी चीज़ें जो सीबीएसई की इन्फॉर्मेशन आती हैं, मैं वीडियोस नहीं बना पाता हूं जिन पे, आपको मैं वहां पर इन सोशल हैंडल्स की हेल्प से वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं, तो आप अपडेटेड रहेंगे इन सारी चीज़ों से। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग मनोज जांगिड क्लासेस, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।